जिन लोग को नहीं पता स्किन केयर क्या होता है, मेकअप, तो फेशियल इज़ नॉट मेकअप, फेशियल इज़ समथिंग स्किन केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे फेशियल करके दिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ रूप मंत्रा से फेशियल किट लिए हैं। ये है फेशियल डायमंड किट, चारकोल एंड पर्ल। तो डायमंड पर्ल तो बहुत बार लोग हर को यूज़ करता है, लेकिन चारकोल मैं थोड़ा एक्साइटेड थी कि चारकोल फेशियल किट भी होता है कि चारकोल फेशियल मैंने कभी नहीं किया और मेरे लिए थोड़ा कुछ न्यू था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई करें। ये मैंने तीन किट लिए हैं, ये तीनों रूप मंत्रा से हैं। रूप मंत्रा के बहुत सारे न्यू फेशियल किट आए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। पर्ल फेशियल किट है, वो है फेयरनेस के लिए, ल्यूमिनस फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन के लिए। डायमंड वाला है ये है फॉर स्पार्कलिंग रेडियंट स्किन कॉम्प्लेक्शन। और ये जो चारकोल है, दैट इज फॉर कंप्लीट स्किन केयर विद एक्टिवेटेड चारकोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इन पैकेजेस में क्या है। फर्स्ट मैं खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें ऐसे तीन छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे। ये है पांच स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप है क्लेंसिंग मिल्क, स्टेप टू है फेस स्क्रब, स्टेप थ्री है मसाज जेल, स्टेप फोर है फेस पैक और स्टेप फाइव है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये सारे डब्बों में, मीन्स पर्ल डायमंड सब में इसी तरह से हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑब्वियसली। फर्स्ट स्टेप है ये है क्लेंसिंग मिल्क। तो देख सकते हैं क्लेंसिंग मिल्क इस कलर में है, ग्रेश कलर में। इसमें लिखा भी हुआ है कैसे कैसे यूज़ करना है। स्टेप वन टू थ्री बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसके ढक्कन के ऊपर ही लिखा हुआ है स्टेप वन, तो बहुत इजी हो जाता है कि हाँ सबसे पहले हमें ये लगाना है, तो सबको आसानी से पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी। इसमें लिखा है एनरिच्ड विद टर्मरिक एंड काओ मिल्क फॉर ऑल स्किन टाइप। अगर कुछ रेसिड्यू है, क्रीम है, तो वो ये क्लेंसिंग क्रीम से भी सारा निकल जाएगा। मैंने जैसे क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फेस स्क्रब। ये भी सेम थोड़ा ग्रेश कलर में है। इसमें लिखा है एनरिच्ड विद वॉलनट एंड वीट जर्म ऑयल। तो हाँ, मुझे फील होता है, मीन्स ओके, जो छोटे छोटे ग्रीटी पार्टिकल हैं वो वॉलनट है, फाइन। मैंने यहाँ पे एक मग में गर्म पानी रखा हुआ है, तो मैं अपना हाथ थोड़ा सा डिप करके ताकि स्प्रेडिंग में थोड़ा इजी रहे। स्पेशली मैं वो एरिया को टारगेट कर रही हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा वाइटेड है, क्योंकि मुझे ये नोज़ एरिया भी बहुत ज़्यादा वाइटेड है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मंथ में एक बार तो अच्छे से अपने वाइटेड्स निकालती हूँ। मेरे पास टूल है वाइटेड रिमूवर का। थ्री मिनट्स तक अच्छे से स्क्रब किया है। नाउ आई एम गोना वॉश दिस। मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि बर्तन में गर्म पानी करके जिस चावल को अपने ऊपर रैप करके ऐसे बैठ जाती हूँ, तो उससे स्टीम हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी स्प्रिंकल भी किया अपने फेस पे ताकि वाइट हेड थोड़े स्मूथ हो जाए और निकालने में ईजी रहे। इससे क्या होता है, इस वाले पोर्शन से वाइट हेड अच्छे से निकल जाता है और ये वाले पोर्शन से ब्लैक हेड है उसको पुश करके आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से पूरा जो भी वाइट हेड्स हैं मेरे नोज़ एरिया के पास, वो मैं अच्छे से निकाल देती हूँ। So after removing all the whiteheads, we'll jump to the next step. That is massage gel. तो हमारा third step जो है वो है massage gel. हमने whitehead ये सब कुछ अपना face अच्छे से clean कर लिया है। Clean करने के बाद हम massage gel लगाएंगे। Massage gel ऐसा कुछ दिखता है। ये भी देखो थोड़ा blackish है। अच्छा लग रहा है सब कुछ। Charcoal type means black black black. मतलब हमेशा facial के लिए हम generally सब कुछ वाइट 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 लगाते हैं अपनी स्किन ग्लो करने के लिए, आपकी स्किन यू नो वाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे चारकोल इम्प्योरिटीज़ के लिए। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग है बेसिक फेशियल से। तो जनरली आपको 10-15 मिनट्स मसाज करना चाहिए। मुझे मसाजिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक स्ट्रेच कर देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करते हो, जितना मसाज करते हो उतना सारा डर्ट तुम्हारी स्किन से निकल जाता है और अच्छा ग्लो करता है। जितना मसाज करोगे उतना अच्छा ग्लो आएगा, उतनी हेल्दी तुम्हारी स्किन रहेगी। तो मसाजिंग इज़ रियली रियली गुड, नॉट ओनली फॉर योर फेस बट फॉर योर होल बॉडी। अगर अपने ये होल बॉडी को भी मसाज करवाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग रियली यू हैव टू थिंक अबाउट, क्योंकि उससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो उतना तो मसाज करोगे तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा कम होगी, याद रखो।
एक्चुअली मेरी स्किन ग्लो हो या ना हो, मैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती. बस मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी स्किन क्लियर दिखे, अच्छी दिखे, शाइनी दिखे. और ऑब्वियसली तुम्हारी स्किन एकदम क्लियर होगी, पिंपल फ्री होगी, हेल्दी होगी, तो ऑब्वियसली ग्लो आएगा ही आएगा. सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द स्किन प्रॉब्लम दैन फेयरनेस. तो मेरा अच्छे से मसाज हो चुका है, मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ. सो नेक्स्ट आते हैं हम स्टेप 4 पे, दैट इज़ फेस मास्क. ऐसा ही है कुछ फेस मास्क, सब कुछ ब्लैकिश ग्रेइश ऐसे में ही है. आप कोई ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ फिंगर की मदद से लगा रही हूँ. सिर्फ इंडिया में है, कलर 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 होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत भी इट्स फाइन. बट इफ़ योर स्किन इज़ हेल्दी, यू विल डेफिनेटली लुक गुड. बट इवन दो इफ़ यू आर फेयर एंड यू हैव सो मच ऑफ स्किन इश्यूज, देन यू नॉट गोना लुक गुड. तो इट्स बेटर यू थिंक अबाउट योर स्किन इश्यूज दैन फेयरनेस. इट्स ऑल अप टू यू. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ फेयरनेस इज़ नॉट गुड और समथिंग. फेयरनेस इज़ ऑलवेज गुड, बट इफ़ यू आर नॉट देन डोंट वरी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक यू हैव टू बी फेयर. यू शुड बी हेल्दी दैन फेयर. एंड हाँ, बहुत सारे लोग is more confused about, they don't know what is skincare and makeup, they don't know the difference between what exactly the skincare and what makeup is. तो तुम्हारी स्किन का ख्याल रखना is something different, makeup is something different. Makeup is to enhance your features, whatever features you have, you can enhance that by applying the makeup. अगर तुम्हें makeup नहीं पसंद है, please मत कीजिए. But skincare is something I think you should do. And still if you're not doing, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी स्किन, जो करना है करो. जिन लोग को नहीं पता स्किन केयर क्या होता है, मेकअप, तो फेशियल इज़ नॉट मेकअप, फेशियल इज़ समथिंग स्किन केयर. जो चारकोल फेशियल के बेनिफिट्स हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि ये पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिन, स्किन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, स्किन को टाइट करता है और अर्ली एजिंग साइंस को भी प्रिवेंट करता है. ये डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है, पिंपल मार्क्स और ब्लेमिशेस को भी लाइट करता है. प्रोमोट्स एंड इवन स्किन टोन और सॉफ्ट ग्लोइंग हेल्दी स्किन लेके आता है. नेक्स्ट बात करती हूँ मैं पर्ल वाला. ये लाइटन करता है, ब्राइटन करता है और स्किन टोन थोड़ा वाइट करता है, रिजुविनेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और स्किन नरिश करता है. और ये स्किन के डेड सेल्स को निकालता है, वाइट हेड्स को और ब्लैक हेड्स को भी निकालता है. और ये डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को कम करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, ग्लोइंग बनाता है और हेल्दी बनाता है. लास्ट हम बात करते हैं, ये है जो डायमंड फेशियल किट की. स्किन पिगमेंटेशन को कम करता है, ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है और सारी डेड स्किन है उसको निकालता है, पॉलिश करता है स्किन को और स्किन के जो इन्फेक्ट है उनको प्रिवेंट करता है. ये सॉफ्ट, स्मूथ और फ्लॉलेस स्किन सरफेस देता है और ये हेल्प करता है हेल्दी स्किन बनाने के लिए और यूथफुल ग्लो देता है. तो ये जो दोनों फेशियल किट है, पर्ल एंड डायमंड, ये दोनों मैंने यूज़ किए हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं. ये जो पर्ल और डायमंड का है, इसका जो ग्लो आता है वो एकदम से नहीं आता है, मतलब जैसे ही आप लगाते हो सेम डे में नहीं आता है, उसका सेकेंड या थर्ड डे में आपको ग्लो दिखने लग जाता है. तो अगर आपको कोई भी इवेंट है या शादी है, कहीं पर भी आपको जाना है, उससे दो दिन पहले लगाइए तो आपको इफेक्ट उस दिन बहुत अच्छा दिखेगा. सेम डे मत कीजिए क्योंकि सेम डे उतना ग्लो नहीं दिखेगा, दो दिन लेता है अच्छे से ग्लो दिखाने में. तो इसीलिए कोई भी फंक्शन है, उससे दो दिन पहले आप ये लगा दीजिए और दूसरे दिन या तीसरे दिन अच्छे से ग्लो दिखाता है. तो दो दिन पहले लगाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है. और जब भी आप ये लगाते हो, दो से तीन दिन ज़्यादा धूप में ना निकलिए. जब भी आप धूप में निकल रहे हो तो सनस्क्रीन लगाइए या अम्ब्रेला ले सकते हो, आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हो. धूप में ज़्यादा ना निकलिए, नहीं तो क्या होगा कि और स्किन ज़्यादा डार्क हो जाएगी. तो जब भी फेशियल लगाते हो तो ये सारे दिमाग में बात रखिए. और हाँ, अपने फेस पे सोप मत लगाइए, जितना ज़्यादा सोप लगाएंगे उतना ज़्यादा ग्लो निकलता जाएगा. पैक वॉश कर लिया, सो विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द लास्ट स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, स्टेप 5. मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ब्लैक कलर में है, थोड़ा मिंट जैसा फ्रेग्रेंस है. ये थोड़ी थिक क्रीम है, थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम. एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम चारकोल फेशियल किया है, मैंने हमेशा डायमंड, पर्ल या गोल्ड यही चूज़ करती हूँ. एंड यू कैन सी माई स्किन इज़ फीलिंग सो फ्रिकिंग हेल्दी, यू कैन सी द ग्लो. ऑब्वियसली जैसे तुम फेशियल करते हो एकदम से मैजिक नहीं हो जाता, लेकिन एक दो दिन में बहुत डिफरेंस दिखता है. मुझे ज़्यादातर क्लेंसिंग पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है कि मेरे वाइट हेड्स अच्छे से निकल जाए, मेरी स्किन एकदम क्लीन दिखे, वही मेरा
यू नो फोकस रहता है। अभी रूप मंत्रा ने और भी बहुत सारे लॉन्च किए हैं फेशियल किट में, बहुत सारी वेराइटीज हैं और भी आप देख सकते हैं। मैंने ये तीन पिक किए थे क्योंकि मुझे ये ट्राई करना चाहती थी, आप कोई और भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, अगर आप देखना चाहते हो, आप ट्राई करना चाहते हो तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये जो तीनों फेशियल किट है, डायमंड, पर्ल और चारकोल, इन सबका प्राइस 398 ईच है। तो ये भी 398 का ही है, ये भी 398 का है और ये भी 398 का ही है। तो आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, वो 398 का है। सो दैट्स इट गाइस, दैट वाज माय होल रिव्यू वीडियो अबाउट दिस रूप मंत्रा फेशियल किट न्यूली लॉन्च्ड। सो इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई इट आउट। आई रियली लव्ड इट, आई एंजॉयड इट, स्पेशली द चारकोल वन। इट वॉज नाइस, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने पर्ल, डायमंड सब कुछ यूज़ किया हुआ है, लेकिन चारकोल वॉज रियली समथिंग न्यू फॉर मी। सो येस, इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।